हेलो इन्वेस्टर्स, तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड के बारे में। तो गाइस शेयर के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर डेली मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंट्राडे कॉल्स देता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां पर विजिट कर सकते हैं, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो गाइस यूएसएल के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके बारे में कि भाई रिलीज्ड कब होगी, रिलीज्ड होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितने अमाउंट पर रिलीज्ड होगी, शेयर डेबिट हो चुके हैं, अगर हुए तो फिर क्यों हुए, आधों के हुए आधों के नहीं हुए हैं। सो हर चीज़ का जवाब मैं आपको अभी इस वीडियो में दूंगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो यूएसएल कंपनी का 100% अश्योरेंस किसी बंदे को नहीं पता, पूरे के पूरे फुल यूट्यूब के ऊपर इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि यूएसएल ने खुद ने अभी अपने पेज पर कुछ भी अपडेट नहीं दिया। उसका लास्ट अपडेट जो उसका केस फाइल हुआ था तब का ही है, उसके आगे कोई अपडेट नहीं है। लेकिन सब बकवास कर रहे हैं फॉर जस्ट व्यूज़, प्रॉपर नॉलेज किसी को नहीं है, ना वो किसी को दे पा रहे हैं। सो फुल्ली एनालिसिस के बाद इसके टेक्निकल्स, इंडिकेटर्स एंड मार्केट सेंसेशन से ये पता चलता है कि यूवीएसएल रिलिस्ट होगी, 90% इसके चांसेस हैं, इसीलिए आपके शेयर डेबिट हुए हैं। तो शेयर डेबिट क्यों हुए हैं, बिकॉज रिलिस्ट होगी, ये आपका जवाब हो गया। जैसे ही रिलिस्ट कंप्लीट होगी आप सभी को अपने शेयर फिर से अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ये सिंपल सी न्यूज़ है, बाकी इसके अलावा कहीं भी कोई न्यूज़ अवेलेबल नहीं है। अगर कोई होगी तो फेक होगी, आप खुद समझदार होंगे यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो देखकर, वहाँ पे अभी क्या चल रहा है इसकी पूरी बेसिक नॉलेज बता देते हैं, लेकिन प्रॉपर जो अभी रिकमेंडेशन चल रही है उसके बारे में कोई नहीं बता रहा। ये सिंपल सी न्यूज़ है जो मैंने आपको बता दिया। डेट कोई भी प्रीफरेबल नहीं है, लोग डेट पूछते हैं कि भाई रिलीज होगी तो कब होगी, तो उसके बारे में बता दो डेट कोई भी प्रीफरेबल नहीं है, बिकॉज कंपनी ने कुछ रिवील नहीं किया है। बट मार्केट में एक चीज़ होती है मेन, अफवाह, अगर अफवाह नहीं होगी तो मार्केट चलेगी नहीं, और मार्केट चलते भी 50% अफवाह से 50% ओरिजिनलिटीज़ के साथ में है। तो अफवाह के हिसाब से मिड वीक ऑफ जनवरी में इसकी रिलिस्ट होगी विथ न्यू नेम, और रिलिस्ट होगी तो एक अच्छा प्राइस होगा, 0.200 है तो उसका अप्रोक्स 0.500 के ऊपर इसके रिलिस्ट के चांसेस हैं। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में अपने पुरानी एक और शेयर था उसके बारे में बताया था, बिल्कुल वैसा इसके अंदर हो रहा है। अपार्ट दिस मेरे हिसाब से 101% इसकी रिलिस्ट होगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, और जैसे इसका कोई अपडेट आता रहेगा मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा। न्यू वीडियो भी आ जाएगी, न्यू न्यूज़ भी आ जाएगी, चैनल पर जुड़े रहिए, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है।